जय हिंद दोस्तों, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। भारत के 74वें आजादी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज थोड़ा बहुत मॉर्निंग से मैं पढ़ रहा था, लोगों को कंफ्यूजन था ये 73वां दिवस है या 74वां। दोस्तों मैं उसकी डिटेल में गया तो मैंने देखा भारत को आज 73 साल पूरे हो गए हैं आजाद हुए, और ये 74th एनिवर्सरी है क्योंकि 15 अगस्त 1947 को जब हमारी आज़ादी शुरू हुई थी तो वो पहला दिन था, पहला आज़ादी दिवस था, तो इस कारण से ये हमारा 74th इंडिपेंडेंस डे है। दोस्तों आज का दिन एक ऐसा है जहाँ जो भी आज़ादी के हमारे दीवाने थे, जो हमारे सोल्जर्स थे जिन्होंने सेक्रीफाइस किया, सुप्रीम सेक्रीफाइस किया, ये दिन है उन सबको सैल्यूट करने का, और मैं तहे दिल से सैल्यूट करता हूँ। इसके साथ साथ आज का दिन एक ऐसी घड़ी में हम लोगों के सामने आया है, एक चुनौती भरी घड़ी में, जबकि ये कोरोना वायरस ने सारी दुनिया में अपना विनाश फैला रखा है, और भारत में भी इस चुनौती से लड़ने के लिए हमारे हेल्थ सर्विसेज प्रोफेशनल्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेस, हमारे वार्ड बॉयज, हमारे पुलिस के लोग, हमारे रेलवेज के लोग, हमारे ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के लोग, हमारे सफाई कर्मचारी, जो सब ऐसी महामारी के दौरान भी आप लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं, मैं उनको भी आज सल्यूट करना चाहूँगा। वो भी किसी वॉरियर से कम नहीं है दोस्तों, जिनको कि आज हम नाम देते हैं कोरोना वॉरियर्स का। अगर हमारे बॉर्डर्स पे हमारे सोल्जर्स हमारी रक्षा कर रहे हैं तो आज ये लोग हमारी यहाँ देश के अंदर शहरों में हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, तो मेरा इन सबको भी बहुत बहुत सैल्यूट। तो दोस्तों आज शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। हमारा पिछले कुछ दिनों में हमने बहुत सारे अपने इंसेंटिव्स के बारे में बात करी, और मैं देख रहा हूँ हमारे इंसेंटिव्स की लिस्ट में पिछले 2 महीने में लगातार बढ़ोतरी होती चली जा रही है। हमारे बहुत सारे लोग ऑलमोस्ट अपने जो सालाना इंसेंटिव्स हैं जो दिसंबर में कंप्लीट होते हैं, कंप्लीट भी कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत मोटिवेशन है, ऐसे माहौल के दौरान ये बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छी बातचीत है, बहुत अच्छा ग्रोथ है। और मैं अगर आपसे शेयर करूं, पिछले 2 महीने में दोस्तों हमने करीबन 1 लाख नए लोग अपने बिजनेस में जोड़े हैं, 1 लाख। इमेजिन कर सकते हैं आप कितने होते हैं 1 लाख, तो 1 लाख लोग 2 महीने में हमारे साथ जुड़े हैं। रिकॉर्ड नंबर ऑफ हमने लेवल अचीवमेंट्स किए हैं, रिकॉर्ड नंबर ऑफ हमने कार प्लान अचीवमेंट किए हैं लास्ट मंथ। सो एक अच्छा ऑल इन ऑल एक अच्छा महीना रहा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि बाकी का साल भी अच्छा चलता रहेगा। तो आइए आज देखते हैं हमारी आज की पेशकश। देखिए, हमने पिछले दिनों चेयरमैन बोनस डिस्कस किया, ग्लोबल रैली डिस्कस की, ईगल मैनेजर रिट्रीट डिस्कस किया, मैनेजर रिट्रीट डिस्कस किया, तो बाकी बचा क्या बता सकता है कोई? बाकी बचा कार प्लान, Forever to drive। दोस्तों जानते हैं कि क्या है नजर आ रहा है आपको? ये गाड़ी का फ्रंट है, ब्लैक कार इन अ ब्लैक बैकग्राउंड। तो दोस्तों ये चित्र मुझे बहुत पसंद आया, इसीलिए मैंने इसको इस प्रेजेंटेशन के आगाज पे डाल दिया है। मैजिक ऑफ इंसेंटिव्स। दोस्तों कार एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है लोगों के लिए, चाहे कार स्टेटस सिंबल हो या आपके परिवार का एक हिस्सा। बहुत सारे लोग मैंने सुना है कि अपनी कार का अपने बच्चों से भी ज्यादा ध्यान रखते हैं, इतना ज्यादा लगाव होता है लोगों को कार से। सो कार एक इम्पॉर्टेंट सिंबल होते हुए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन भी है लोगों का बिजनेस करने के लिए,
नौकरी करने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए कार एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मोटिवेशन है। दोस्तों, इस इंसेंटिव से आप अपने सपनों की कार पा सकते हैं। दोस्तों, कार प्लान या फॉरएवर टू ड्राइव हमारा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पॉन्सरिंग टूल है। जैसे कि जो व्यक्ति आप सामने देख रहे हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट कार कलेक्टर्स इन द वर्ल्ड ऑफ फॉरएवर है, तो उनके पास बहुत सारी गाड़ियों की, बढ़िया बढ़िया गाड़ियों की एक नुमाइश है, और इन्होंने अपनी ग्रोथ का बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट कार प्लान को दिया है। और इन्होंने कहा है कि कार प्लान के जरिए, फॉरएवर टू ड्राइव के जरिए उन्हें बहुत सारी स्पॉन्सरिंग मिलती है। दोस्तों, कार प्लान से आपको और बेनिफिट मिलता है कि आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इनकम आपको ओवर एंड अबव योर बिजनेस मिलती रहती है, तो इस अमाउंट को आप किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास गाड़ी एक ऑलरेडी है तो आप उस अमाउंट से किसी भी चीज की किश्त, इंस्टॉलमेंट या कुछ भी भर सकते हैं, तो आपके लिए एक एडिशनल कैश का रूप ले लेता है। दोस्तों, जो आपकी टीम सीसी अर्न करती है वो भी आपके टोटल में एक्ट करते हैं। टोटल ग्रुप वॉल्यूम कैलकुलेशन कैसे होता है? ये आपके पर्सनल ग्रुप वॉल्यूम में 40% पर्सनल ग्रुप ऑफ फर्स्ट जनरेशन मैनेजर्स, 20% सेकेंड जनरेशन मैनेजर्स और 10% थर्ड जनरेशन मैनेजर्स। तो दोस्तों, आपका पर्सनल ग्रुप वॉल्यूम ही नहीं, आपके जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जनरेशन के मैनेजर्स हैं उनका भी पर्सनल ग्रुप वॉल्यूम आपको मदद करता है इस बेनिफिट को अचीव करने के लिए। हाँ जी, पहचान आई? देखिए क्या लाजवाब गाड़ी है, लाल पगड़ी डाल के सरदार ओंकार सिंह जी खड़े हैं और लाल ही कैप डाल के मनदीप सिंह कंबोज जी खड़े हैं, और पीछे यहां से तो चल रहा है, नहीं वीडियो भी आ रहा है। तो हमारे तीन इंसेंटिव लेवल, माफ कीजिएगा एक थोड़ा टेक्निकल ग्लिच था शायद, दोबारा चलते हैं। फॉरएवर टू ड्राइव क्वालिफिकेशन में हमारे तीन इंसेंटिव लेवल्स हैं। दोस्तों, तीन इंसेंटिव लेवल्स में से लेवल वन है, आप तीन लगातार महीनों में 50 सीसी, 100 सीसी और 150 सीसी करते हैं तो आप लेवल वन अचीव कर लेते हैं। अब लेवल वन अचीव करने के बाद आपको क्या मिलता है? आपको 26,000 रुपए हर महीने 36 महीने के लिए कंटिन्यूसली मिलने लग जाते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है एक एवरेज गाड़ी की इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए। तो आप लेवल वन पे एक इंसेंटिव मिला आपको। अगर आपको उससे बड़ी गाड़ी की ख्वाहिश है तो आप लेवल टू पे जा सकते हैं दोस्तों, जिसमें आपको अचीव करना होगा 75 सीसी, 150 सीसी और 225 सीसी, 225 सीसी तीन कंजेकटिव महीनों में, और आप लेवल टू पे पहुंच जाएंगे और आपको मिलेंगे 39,000 रुपए, 39,000 रुपीज फॉर 36 मंथ्स। आपको इससे भी बड़ी गाड़ी की तलाश है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे? आप लेवल थ्री फॉरएवर टू ड्राइव के लिए टारगेट करेंगे, जिसमें आपको करने होंगे 100 सीसी, 200 सीसी और 300 सीसी तीन लगातार महीनों में। जैसे ही आप ये करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं दोस्तों 52,000 रुपए, 52,000 रुपीज फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 36 मंथ्स।
सो दोस्तों ये तो थे आपके तीन लेवल्स, तो आप देख सकते हैं कि आपको तीन अमाउंट्स मिल सकते हैं और आप उसी हिसाब से अपनी गाड़ी प्लान कर सकते हैं। ये आपको अमाउंट लगातार 36 महीने कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे। अब आगे देखते हैं इसमें और क्या आपको मिल सकता है। दोस्तों ये तो आपने देखी रिक्वायरमेंट्स, जैसे कि आपका लेवल 3 था उसमें आपको जो अपनी रिक्वायरमेंट थी पहले महीने की 150 cc, दूसरे महीने की 225 cc, तीसरे महीने की 300 cc, तो आप इस लेवल को थोड़ा कम कर सकते हैं। वो कैसे? अगर आपके नीचे 5 पर्सनली स्पॉन्सर्ड एक्टिव फर्स्ट जनरेशन रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर्स हैं, तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है 3 महीने की, वो 150, 225 और 300 cc ना रह के 110 cc, 175 cc और 240 cc हो जाती है दोस्तों। जी हाँ, अगर आपके नीचे 5 एक्टिव रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर्स हैं डायरेक्टली स्पॉन्सर्ड बाय यू, तो आपकी फॉरएवर टू ड्राइव की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है दोस्तों। क्या इससे भी कम करना पॉसिबल है? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। वो कैसे देखते हैं। अगर आप 5 की बजाय 10 आपके पास एक्टिव फर्स्ट जनरेशन रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर्स हैं दोस्तों, तो जो आपकी लेवल 3 की क्वालिफिकेशन 110 cc, 175 cc, 240 cc जो पिछली 5 से कम हुए थे और कम हो जाती है दोस्तों, यानी कि 150 cc वाली रिक्वायरमेंट आपकी 70 cc हो जाती है, 225 cc की रिक्वायरमेंट 225 cc हो जाती है और 300 cc की रिक्वायरमेंट 180 cc हो जाती है। तो देखिए, अपने नीचे पर्सनली डायरेक्टली स्पॉन्सर्ड मैनेजर्स एक्टिव मैनेजर्स अगर आपके बढ़ते चले जाते हैं, तो आपको आपकी बोनस इनकम्स और आपकी लीडरशिप इनकम्स में ही मुनाफा नहीं होता, आपको अपनी फॉरएवर टू ड्राइव में भी आप अपने क्वालिफिकेशंस कम लेवल के साथ अचीव कर सकते हैं। तो मल्टीपल बेनिफिट्स हैं फ्रेंड्स। सो इससे आपको फोकस मिलता है और बिजनेस को वाइडर ग्रो करने का, डायरेक्ट लेवल पे ग्रो करने का, ज्यादा नीचे ना जाने का, अपने बिजनेस को अपने पास रखने का। सो इनडायरेक्ट ये मैसेजेस हैं आप लोगों को कि आप किस तरह से बिजनेस डेवलप करिएगा अपना। इस प्लान के लिए और अन्य कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं। आपको एक्टिव रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर होना होगा, आपके जो केस क्रेडिट्स हैं सिंगल ऑपरेटिंग कंपनी में होने चाहिए, आपका तीसरे महीने का जो भी वॉल्यूम है वो आपकी जो फाइनल रिक्वायरमेंट है उस पे मेंटेन रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने लेवल 3 किया है, लेवल 3 में थर्ड मंथ की रिक्वायरमेंट 300 cc है, 300 cc उसके बाद 36 महीने आपको रिवॉर्ड लेने के लिए 300 cc का वॉल्यूम आपको मेंटेन करना होगा दोस्तों। ऐसा नहीं कि आपने 300 अपना ये लेवल का रिक्वायरमेंट अचीव कर लिया 300 cc पे, उसके बाद आपका वॉल्यूम 100 cc पे ड्रॉप हो जाए, तब आप को इंसेंटिव मिलने में दिक्कत आएगी, वो अभी आगे देखेंगे हम। बट आपको मेंटेन करना होगा 300 cc का लेवल, बाकी सब लेवल्स के लिए जो भी उनके थर्ड मंथ की रिक्वायरमेंट थी वो आपको मेंटेन करके रखनी होगी दोस्त। अगर आपका वॉल्यूम तीसरे महीने से नीचे ड्रॉप कर जाता है तो आपका इंसेंटिव है उसी रेशो में कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें, अगर आपको 300 cc की रिक्वायरमेंट है चौथे पांचवे छठे महीने में और आप सिर्फ 250 cc कर पाते हैं, तो आपको जो 52,000 रुपये मिलने थे उसकी बजाय 250 × 173.33 = 43332.50 पैसा, ये इतना अमाउंट मिलेगा दोस्तों। तो यानी कि आपकी जो अमाउंट है वो कम हो जाएगी। सो हर सीसी कम होने से, या जितने आप सीसी करेंगे उसको 173.33 से मल्टीप्लाई करके आपको वो अमाउंट मिल जाएगा दोस्त। सो ये वार्निंग है, रेड वार्निंग है कि आपका वॉल्यूम नीचे ड्रॉप नहीं होना चाहिए जो आपका
लास्ट अचीव वॉल्यूम है ये टारगेट करने के लिए। एक वार्निंग और है फ्रेंड्स, अगर आपका वॉल्यूम ड्रॉप करता है बिलो 50 सीसी इन एनी सबसीक्वेंट मंथ, तब आपको उस महीने में इंसेंटिव नहीं मिलेगा दोस्त। तो 50 से लेके 300 सीसी तक तो आपको कम होते हुए लेवल इंसेंटिव मिलता रहेगा, बट अगर 50 से भी नीचे चले गए आप उस महीने में इंसेंटिव नहीं मिलेगा। सो ये थी दो आपके लिए रेड वार्निंग्स, जो कि आप जब ये लेवल अचीव करते हैं, इंसेंटिव अचीव करते हैं, तो आपको सबसीक्वेंटली इनका ध्यान रखना होगा। क्या आपको मालूम है दोस्तों कि आप एक बारी फॉर एग्जांपल अगर आपने अपना इंसेंटिव अचीव कर लिया, लेवल वन अचीव कर लिया, तो आप इमीडिएटली उसके बाद अपना नेक्स्ट लेवल भी अचीव कर सकते हैं। जी हाँ, आप साथ साथ में भी अपने लेवल्स अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर जनवरी, फरवरी या मार्च में आपने लेवल वन किया है, तो आप लेवल टू और थ्री के लिए अप्रैल में एलिजिबल हैं। यानी कि अगर आपके उसी स्पीड से, उसी लेवल से आगे चले जाएं, तो आप अप्रैल में अपना लेवल थ्री या टू भी कर सकते हैं। सो इट इज पॉसिबल कि आप उन्हीं तीन महीनों की सीसीज को इस्तेमाल करके चौथे महीने में आप सेकेंड या थर्ड लेवल पे ऊपर भी जा सकते हैं। सो ये एक अच्छा तरीका है सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल के लिए बार बार सीसी ना अचीव करके वही सीसीज को आप अगर प्लान करते हैं तो आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं लेवल टू और थ्री के लिए, तो आपको अगले 36 महीने उसी प्रकार से पेमेंट मिलेगी। एक और अच्छी चीज इस इंसेंटिव के कंडीशंस के बारे में कि दोस्तों, आप जब आपके पिछले लेवल टारगेट अचीव के समय 36 महीने जब पूरे हो जाएंगे, आप उससे 6 महीने पहले अपना रिक्वालिफाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आप का लास्ट 36वां महीना जून 20 में है, तो आप जनवरी से लेके जून तक किसी भी 6 महीने में से 3 महीने अगर आप रिक्वालिफाई कर जाते हैं, तो आपका कार प्लान अगले 36 महीने के लिए चालू रहेगा जब आपका जून कंप्लीट हो जाएगा। सो दोस्तों, ये एडिशनल एडवांटेज है कि अगर आपने 36 महीने की बजाय 72 महीने कन्वर्ट करना है अपना इंसेंटिव, तो लास्ट 6 महीने में आप रिक्वालिफाई करिएगा और अपना इंसेंटिव कंटिन्यूड रखिएगा। सो इस इंसेंटिव को बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ दोस्तों, जो एक बार मिलने के बाद कंटिन्यू रख पाते हैं और कंटिन्यूसली ये अमाउंट आपके बोनसेस में जुड़ता रहता है साल भर साल, महीने भर महीने। सो देखिए, है ना एक कितना बढ़िया इंसेंटिव, आपको एक फिक्स्ड चंक ऑफ इनकम देता है कंटिन्यूसली 36 महीने के लिए। दोस्तों, इनको अचीव करने के लिए क्या करना है? अचीव करने के लिए स्ट्रेटजी एक बनानी पड़ेगी। बहुत सारे नए लोग हमारे बीच आज होंगे जो पिछले 3 महीने में, बहुत सारे नए न्यू स्पॉन्सर्स मैं देख रहा हूँ, न्यू लोग जिन्होंने ज्वाइन किया हमें, मैं उनको देख रहा हूँ, तो ये उनके लिए थोड़ा सा आवश्यक है जो स्ट्रेटजी है कि आप किस तरह से अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, इस स्ट्रेटजी के 4 पहलू हैं। प्लान करिएगा, स्पॉन्सरशिप करिएगा, रिटेलिंग करिएगा, डुप्लीकेट करिएगा बिजनेस, और डेवलपमेंट करिएगा अपनी अपनी टीम्स का। तो ये अगर पहलू आप अपना लेते हैं तो अवश्य ही आप अपने टारगेट्स के बहुत जल्दी अचीव करेंगे। ये देखिए, मैंने एक आइडियल प्लान की स्ट्रेटजी बनाई है। अगर कोई नया व्यक्ति है, अभी उसको ज्वाइन करे कुछ ही समय हुआ है, और वो जनवरी में स्टार्ट करता है, 3-4 उसके नीचे ASs हैं, तो वो उसका बिजनेस सीक्वेंशली ग्रो करते हुए अगर वो मई में अपना पहला सुपरवाइजर ब्रेक अवे कराते हैं, जुलाई में अपना सेकंड सुपरवाइजर ब्रेक अवे कराते हैं, अक्टूबर में वो अपना पहला असिस्टेंट मैनेजर ब्रेक अवे कराते हैं, नवंबर में वो अपना पहला मैनेजर ब्रेक अवे कराते हैं, और दिसंबर में अपना सेकंड असिस्टेंट मैनेजर ब्रेक अवे कराते हैं,
तो दोस्तों आप देखिएगा कि आप सितंबर अक्टूबर नवंबर में आपका फॉरएवर टू ड्राइव लेवल वन अचीव हो जाता है दोस्तों। सो मैं ये इसलिए दिखाना चाह रहा था कि एक नए व्यक्ति के लिए, एक एम्बिशियस व्यक्ति के लिए जिसने अभी फिलहाल ही हमारा बिजनेस ज्वाइन किया होगा, उसके लिए भी ये फॉरएवर टू ड्राइव लेवल वन एक इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। इट इज अ वेरी वेरी डूएबल टास्क। और मजे की बात यह है कि आप ने दो सुपरवाइजर ब्रेक भी किए और एक असिस्टेंट मैनेजर ब्रेक भी किया। मजे की बात यह है कि आपने मैनेजर रिट्रीट लेवल वन भी अचीव कर लिया अपना दोस्तों। अगर याद है पिछली प्रेजेंटेशन तो मैनेजर रिट्रीट की, तो आपने कार लेवल के साथ साथ मैनेजर रिट्रीट भी अचीव कर लिया है दोस्तों। मतलब ये कि आप अपनी बढ़िया नई गाड़ी चलाएंगे और एक किसी डोमेस्टिक 5-स्टार ट्रिप के ऊपर बढ़िया सी जगह पे घूमने भी जाने का मौका मिलेगा। और दोस्तों अगर आप इसमें देखेंगे, आपका दिसंबर में सेकंड असिस्टेंट मैनेजर ब्रेक अवे हो रहा है और इसको आप जनवरी में आगे कंटिन्यू रखेंगे मार्च तक, तो आप बता सकते हैं मेरे को और क्या लेवल अचीव कर लेंगे? कोई बता सकता है? जल्दी से लिख के भेजिएगा मेरे को। आप दोस्तों मैनेजर लेवल, मैनेजर रिट्रीट लेवल टू भी क्वालिफाई कर सकते हैं। आप देखिएगा, ध्यान से इसको समझिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक आपका मार्गदर्शक हो सकता है। ये जो ग्रोथ चार्ट मैंने बना के दिया है आपको अपनी अपनी बिजनेस प्लान करने के लिए दोस्तों, सबसे पहला कदम स्पॉन्सरिंग एंड रिटेलिंग। मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग एडवोकेट हूँ होम मीटिंग सिस्टम्स के लिए। आपको अब जैसे जैसे माहौल खुलता चला जा रहा है, आप होम मीटिंग्स की तरफ बढ़ सकते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा आपको काम नहीं करना। आप को एक व्यक्ति आपको अपने घर पे एक छोटी मीटिंग करनी है, टारगेट आपका रहेगा कि आप 2 AS हर महीने स्पॉन्सर करें, 3 होम मीटिंग्स हर महीने करें जिसमें 5 से 7 लोगों को आप बुलाएं, तो करीबन आप 15 से लेके 20 लोगों तक, आप 20-21 लोगों तक आप हर महीने मुलाकात कर सकते हैं। इसको बुलाने के बाद आपका टारगेट रहना चाहिए कि हर एक मीटिंग में कम से कम 1 C9 किट या 1 CC वर्थ ऑफ प्रोडक्ट्स आपके सेल हो जाएं। अगर आप 50% लोगों को कुछ ना कुछ एक्टिवेट करने में वो हो जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो करीबन आप 7-8 लोगों को अगर आप प्रोडक्ट्स बेच पाए तो 2,000 रुपये पर पर्सन, 18,000 रुपये की आपकी सेल निश्चित है महीने में दोस्तों। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ होम मीटिंग सिस्टम। ये स्पेशली लेडीज के लिए, वुमेन के लिए बड़ा एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। दिस इज जस्ट अ स्टेप फॉरवर्ड फ्रॉम अ किटी पार्टी, जहाँ पे आप किटी पार्टीज करते हैं, किटी पार्टीज की बजाय होम मीटिंग्स करिएगा। अब बिजनेस को स्पॉन्सरिंग भी कर लिया आपने, उसमें आपने रिटेलिंग भी कर लिया, आपने सेल्फ कंजम्पशन भी कर लिया, अब आप बिजनेस को डुप्लीकेशन कैसे करेंगे? आप हैं, आपने एक व्यक्ति को अपने बिजनेस में जोड़ा और आपने उनके साथ काम किया, आपने उनको ट्रेन किया, आपने उनको मेंटरिंग करी, तो वो आपके धीरे धीरे आपके क्लोन बन जाएंगे, आपकी एक हमशक्ल बन जाएंगे दोस्तों, जो आप ही की तरह काम करेंगे, आप ही का एथिक्स लेवल होंगे उनके और आप ही का सब तौर तरीका इस्तेमाल करते हुए, आपकी ट्रेनिंग को इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब आपने जो ए व्यक्ति को ट्रेन किया, उसने एक व्यक्ति को बी को रिक्रूट किया, आपने ए की ट्रेनिंग करी, ए ने बी की ट्रेनिंग करी और आप सी बी की मेंटरिंग कर रहे हैं, साथ में कोचिंग कर रहे हैं। तो जब आप ए और बी के साथ काम करते हैं, दिस इज ट्रेनिंग एंड कोचिंग बोथ। आप ए की ट्रेनिंग करते हैं, बी की कोचिंग करते हैं। सो 2 व्यक्तियों के साथ आप कंटिन्यूअसली जुड़ जाते हैं। अब तीसरे लेवल पे आते हैं। आपने ए को जोड़ा अपने साथ, ए ने बी को जोड़ा और बी ने सी को जोड़ा। आप ए की ट्रेनिंग करते हैं, ए बी की ट्रेनिंग करता है, बी सी की ट्रेनिंग करता है। आप बी की मेंटरिंग करते हैं और ए सी की मेंटरिंग करता है। देखिए, हम धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी जनरेशन बढ़ती जा रही हैं, हम अपना इंटरेक्शन वहां पे थोड़ा कम कर रहे हैं, जीरो नहीं कर रहे हैं, बट इंटेंसिटी हम घटा रहे हैं वहां पे।
हमारी डायरेक्ट ट्रेनिंग ना होके हम उनको मेंटरिंग करते हैं, बिकॉज ए व्यक्ति और बी व्यक्ति हमारे इतने अच्छे स्ट्रांगली ट्रेन है कि वो जो सारी हमारी ट्रेनिंग है वो आगे कर सकते हैं, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा वहां से अपना एफर्ट कम करेंगे। तो आप ए प्लस बी के साथ काम करते हैं और ए प्लस बी सी के साथ काम करता है, दोस्तों यही डुप्लीकेशन है। दोस्तों मैं इस को अगर आप देखेंगे तो मैं बड़ा स्ट्रांग इसका वोटरी हूं। आपको फोकस करना चाहिए अपनी तीन जनरेशन के ऊपर, बिकॉज यहां से आपको मैक्सिमम इनकम जनरेट होती है। और एक व्यक्ति का मैनेजमेंट में माना जाता है स्पैन ऑफ कंट्रोल, एक व्यक्ति अपना स्पैन ऑफ कंट्रोल कुछ ही लोगों तक सीमित रख सकता है। उससे ज्यादा इनइफेक्टिव हो जाता है। और मैं यही चीज आज की डेट में लोगों को देखता हूं, हमारे कुछ लीडर्स को देखता हूं, बहुत सारे लोग यहाँ ए बी सी के नीचे जाके डी ई एफ जी एच जी के तक डेवलप करते हैं और अपनी साइड में और लाइंस नहीं डेवलप करते, डायरेक्ट लाइंस। यहाँ पे आपकी डायरेक्ट लाइन सिर्फ एक है, सिर्फ एक लाइन है जो कि ए से स्टार्ट होके नीचे तक जाती है। आपने साइड में अपना कोई भी लेवल नहीं डेवलप किया। दोस्तों एक क्लासिक एग्जांपल है जो हमारे सो कॉल्ड 12 सीसी के मैनेजर्स हैं, जो कि अगर इस तरह से ही आप बिजनेस डेवलप करेंगे, सिर्फ ए के नीचे 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 का बिजनेस डेवलप करते रहेंगे, तो आपको फ्यूचर में बहुत दिक्कत आ सकती है। बिकॉज खुदा ना खास्ता किसी भी कारणवश इनमें से कोई भी व्यक्ति अगर आपका साथ छोड़ देता है तो आपकी सारी की सारी इनकम एक बार डगमगा जाती है दोस्तों। और ये मैं क्लासिक केसेस बहुत सारे रिसेंटली पास्ट में भी देखे हैं और पीछे पिछले 2 साल से जब से मैं कंपनी में ज्वाइन किया हूं, मैं देख रहा हूं रेगुलरली कि 12 सीसी मैनेजर्स जो हैं हमारे, वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल बिजनेस है, उनका सबसे अनस्टेबल बिजनेस मॉडल है। सो आई वुड से कि जब आप ए बी सी तीन लेवल्स डेवलप कर लिए, उसके बाद आप ए बी सी पे छोड़ दीजिए अपना नीचे डेवलप करना, आपको एक अन्य ए डेवलप करना है। आपको ए जैसे ही बहुत और लोग डेवलप करने हैं अपने बिजनेस को स्टेबल करने के लिए। कम से कम आपको ए के लेवल पे 5 लोग मिनिमम चाहिए अपना बिजनेस स्टेबलाइज करने के लिए दोस्त। सो अगर आप ध्यान से बैठ के सोचेंगे तब आपको समझ आएगा कि हमारे जो सारे बिजनेस के ग्रोथ के इंसेंटिव्स हैं, रिवॉर्ड्स हैं, लेवल्स हैं, वो ए के क्लोन्स बनाने में है, बी सी डी ई के क्लोन्स बनाने में नहीं है। क्योंकि ए को आपने इतनी ट्रेनिंग दे दी है, बी को आपने इतनी ट्रेनिंग दे दी है, सी को आपने इतनी ट्रेनिंग दे दी है, और अगर ये बहुत अच्छे हैं ट्रेनिंग में तो ये आगे भी उतनी ट्रेनिंग देते चले जाएंगे और ये अपनी अपनी तीन जनरेशन अगर सेफ करते चले जाएंगे तो आपका बिजनेस इनके नीचे तो ऑटोमेटिकली सेफ हो जाएगा। सो आपको अपना फोकस ये तीन एबीसी जनरेशन सेफ करने के बाद आपको अपने और एज जनरेट करने में फोकस करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, दोस्तों यही बेसिकली डुप्लीकेशन का सार है। इसमें अगर आप अपने सीसीज प्लान कर लेते हैं, अगर आप अपनी सीसीज पर्सनल कंजम्पशन रखते हैं, आप अपने रिटेलिंग करते हैं, आप अपनी 2 से 4 लोग हर महीने स्पॉन्सर करते हैं और एएस बनाते हैं और अपने बिजनेस का डुप्लीकेशन इफेक्टिवली करते हैं और मेंटरिंग करते हैं, तो सक्सेस आपसे दूर नहीं है दोस्तों। आप लेवल 1, 2, 3 फॉर एवर टू ड्राइव जब भी दिल करे अचीव कर सकते हैं। तो यही मंत्र है दोस्तों, ये 5 स्टेप्स आपके बिजनेस को ग्रो करने का, आपके फॉर एवर टू ड्राइव अचीव करने का मंत्र है। आगे चलते हैं, एक शब्द हमने और देखा था डेवलपमेंट, थोड़ा सा उसके ऊपर रोशनी फेंकना चाहूंगा। डेवलपमेंट क्या है दोस्तों डेवलपमेंट है आपके बिजनेस में, आपकी टीम्स में कितने लोग लेवल इंक्रीज किया उन्होंने अपना, एएस से सुपरवाइजर बने, सुपरवाइजर से एएम बने, एएम से मैनेजर बने, मैनेजर से सोरिंग मैनेजर बने, कितने लोगों ने अपना लेवल चेंज किया और कितने इंसेंटिव्स के लिए क्वालिफाई करे। आपके अगर दो लोग इस महीने एएस से सुपरवाइजर बने और एक व्यक्ति ने कार प्लान अचीव किया, तो आपके बिजनेस में 3 डेवलपमेंट्स हैं।
आपका बिजनेस तीन लोग उसमें इंप्रूवमेंट आया है. सो दैट इज व्हाट द मेजर ऑफ डेवलपमेंट इज. तो आपको कैलकुलेट करना है कि कितने लोगों ने आपके बिजनेस में लेवल इंप्रूव किया और कितने लोगों ने इंसेंटिव अचीव किया. तो जितने लोग हैं वो आपकी डेवलपमेंट है. डेवलपमेंट अगर आप करते हैं दोस्तों तो आपके लिए एक रेजिडुअल इनकम क्रिएट होती है, जो कि अगर आप किसी स्टेज पे थोड़ा एक्टिव कम भी हो जाते हैं तब भी आपकी जो टीम्स है नीचे वो आपका बिजनेस आपको इनकम जनरेट करती रहती है. दैट इज कॉल्ड रेजिडुअल इनकम. दोस्तों जब एक व्यक्ति काम करता है इस बिजनेस में तो आपके जो आवर्स ऑफ वर्क है वो लिमिटेड रहते हैं. एक व्यक्ति की क्या कैपेसिटी है, कम से कम एक घंटा, ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे. 24 घंटे थियोरेटिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. जो बहुत लोग बहुत काम करते हैं 17-18 घंटे काम करते हैं, और एवरेज एक एम्प्लॉय 8-9 घंटे काम करता है. तो अगर आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से भी काम करते हैं, किसी की कैपेसिटी 8 घंटे की, किसी की 18 घंटे की, तो आपके जो आवर्स वर्क्ड पर मंथ है वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, इससे ऊपर नहीं जाएंगे इस काली लाइन से. सो किसी के 8 घंटे की एवरेज हो सकती है, किसी की 10, किसी की 12, किसी की 18, दैट वुड बी द मैक्सिमम. तो उसको देखते हुए जो आपका मंथली बोनस है, जैसे जैसे आपका काम बढ़ता चला जाएगा, आप मेहनत करते रहेंगे, आप ट्रेन होते रहेंगे, आपकी एफिशिएंसी बढ़ती चली जाएगी, आपकी जो इनकम है पर्सनल ग्रुप की इनकम है वो एक लेवल पे पहुंच के कांस्टेंट हो जाएगी. इस ब्लैक लाइन के ऊपर नहीं जा पाएंगे. उसके बाद आपके नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स बढ़ेंगे नहीं और आपकी इनकम भी नहीं बढ़ेगी. आप 8 घंटे से स्टार्ट करते हो, 18 घंटे तक जाते हो, 18 घंटे के ऊपर जाके आपकी इनकम स्टैग्नेट हो जाएगी. सो जब तक आप सिर्फ पर्सनल ग्रुप में करते रहेंगे, जब तक आप सिर्फ रिटेलिंग करते रहेंगे, आप माल कंपनी से खरीद के आगे बेचते रहेंगे लोगों को, आप सिर्फ ये पर्सनल ग्रुप के लेवल तक पहुंचेंगे. यानी कि आप एक सेल्समैन की तरह काम कर रहे हैं, कंपनी के सेल्समैन की तरह. दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, रिटेल सेलिंग और सेल्समैन के तरीके से काम करने में नहीं विश्वास करता दोस्तों. इस बिजनेस में स्पॉन्सरिंग एंड टीम बिल्डिंग इज ए मस्ट. अगर आपको ग्रो करना है, अगर आपको रेजिडुअल इनकम जनरेट करनी है, अगर आपको बहुत बड़ी एक इनकम क्रिएट करनी है, तो आपको टीम क्रिएट करनी ही होगी. अपने नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स बढ़ाने ही होंगे, अपने वर्किंग हैंड्स बढ़ाने ही होंगे. इमेजिन करिएगा, जो आप काम 8 घंटे में करते हैं, अगर आपके साथ 2 लोग जुड़ जाएं, वो 16 घंटे आपके और ऐड हो जाएंगे. अगर 4 लोग जुड़ जाएं, तो 32 घंटे ऐड हो जाएंगे. तो जैसे जैसे आप लोग जोड़ते चले जाएंगे अपने बिजनेस में, नंबर ऑफ वर्किंग हैंड्स बढ़ते चले जाएंगे और आपकी इनकम भी बढ़ती चली जाएगी दोस्तों. सो जैसे जैसे आपके वर्किंग आवर्स बढ़ रहे हैं, तो आपका जो ब्लैक वाला एरिया है ये आपकी लीडरशिप इनकम फॉर्म करता है. तो दोस्तों जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ेगी, राइट हैंड साइड को आपका ग्राफ मूव करेगा, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स आपके ऊपर को मूव करते चले जाएंगे. तो आपका जो लीडरशिप इनकम का हिस्सा है वो आपके पर्सनल ग्रुप से इनकम से बढ़ता चला जाएगा. और एक समय ऐसा आएगा कि आपकी लीडरशिप इनकम आपकी पर्सनल इनकम से ज्यादा होगी. यानी कि लीडरशिप एक्टिविटी, डेवलपमेंटल एक्टिविटी, अपनी टीम बिल्डिंग एक्टिविटी से आपको ज्यादा इनकम आएगी बनिस्पत के अपना बिजनेस करने के. सो दैट इज द आइडियल लेवल विच एवरी नेटवर्क मार्केटियर हैज टू टारगेट. दोस्तों सो डेवलपमेंट में क्या है, अपने साथियों की प्लानिंग करना, उनके गोल सेट करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको डेमोन्स्ट्रेशन देना, आगे ट्रेनिंग कैसे करनी है, मीटिंग कैसे कॉल करनी है, प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, लोगों को टेलीफोन पे बात कैसे करना है, ड्रेसअप कैसे होना है, लोगों से मुलाकात कैसे करनी है, बिजनेस एडिकेट के तरीके, ये सब कुछ आपको सिखाना पड़ेगा उनको. आपको उनको लगातार हर मोड़ पे गाइड करते रहना होगा और इनकरेज करना पड़ेगा. जब कोई गलती करेंगे तब थोड़ी डांट भी लगानी पड़ेगी, जब अच्छा काम करेंगे मोटिवेट भी करना पड़ेगा, इनकरेज भी करना पड़ेगा. यही दोस्तों काम है डेवलपमेंट का, टीम डेवलपमेंट का. दोस्तों ये टीम डेवलपमेंट को आप मेजर कैसे कर सकते हैं, स्कोर कैसे कर सकते हैं,
पहला स्टेप है, आपने कितने प्लानिंग सेशंस अपने लोगों के साथ किए, अपनी टीम के साथ किए। हर एक प्लानिंग सेशन के लिए अपने आप को एक नंबर दे दें। अगर आपने 3 लोगों के साथ 5 लोगों के साथ प्लानिंग किया है तो 5 नंबर दे दें अपने आप को। ट्रेनिंग की मीटिंग्स कितनी करी है आपने अपने टीम्स के साथ इस महीने, 1 मीटिंग करी 2 मीटिंग करी 5 मीटिंग करी 10 मीटिंग करी, तो अपने आप को उसी हिसाब से नंबर दे दीजिए। और आपने, आपकी टीम्स ने कितने सीसीस किए हैं आपके नीचे, आपको उसके लिए नंबर मिलेंगे। 1 सीसी किया तो 1 नंबर, 5 सीसी किया तो 5 नंबर। तो दोस्तों, जैसे ही आप इनको नंबर देंगे हर एक पॉइंट को, एक एक पॉइंट, तो अगर आपको 0 से 4 के पॉइंट में मिलते हैं, बीच में पॉइंट्स मिलते हैं, तो आपकी डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं कुछ कमजोरी है, आपको इम्प्रूव करना होगा। 5 से 9 पॉइंट्स मिलते हैं तो आप अच्छा कर रहे हैं, बट और अच्छा कर सकते हैं। और अगर 10 से ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं तो दोस्तों, आप बहुत ही बढ़िया काम परफॉर्म कर रहे हैं अपनी टीम को डेवलप करने का। आपका बिजनेस अवश्य ही, मैं समझता हूँ, एक पर्टिकुलर लेवल तक ग्रो कर चुका होगा और आगे बड़ी तेजी से ग्रो कर रहा होगा। ये दिस इज द साइन ऑफ गुड टीम मैनेजमेंट एंड टीम डेवलपमेंट, अगर आपके 10 से ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं। सो इस तरीके से आप अपने आप को लगातार हर महीने मेजर कर सकते हैं कि आप अपनी टीम का डेवलपमेंट अच्छा कर रहे हैं या नहीं। सो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की फॉरएवर टू ड्राइव की प्रेजेंटेशन की श्रृंखला खत्म होती है। सारे हमारे अवार्ड्स एंड इंसेंटिव्स में कवर कर चुका हूँ पिछले कुछ महीनों में, एंड ये लास्ट हमारा रिवॉर्ड बचता था, ये भी आज हमने कवर किया। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा, आप में से बहुत सारे लोग मोटिवेट होके इस लेवल के लिए ट्राई करेंगे बाकी बचे हुए हमारे साल के दौरान। इसी के साथ ही, ये तो थी अब थ्योरी की बात, अब आपको ले चलते हैं हम मिलाने के लिए एक ऐसे शख्स से जिन्होंने एक्चुअली में ये लेवल अचीव किया है। उनके साथ कुछ गुफ्तगू करेंगे, उनके साथ कुछ बातचीत करेंगे। लेट मी इंट्रोड्यूस यू नन अदर देन मिस्टर ओंकार सिंह फ्रॉम पंजाब। ओंकार सिंह जी, नमस्कार। ओंकार सिंह जी, कैसे हो? नमस्कार सर, बहुत बढ़िया सर, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आपको भी मुबारक हो, आपकी सब टीम्स को भी मुबारक हो। आप इतनी यंग उम्र में इतनी अचीवमेंट कर रहे हो, मेरे ख्याल से आपकी टीम्स अत्यंत ही मोटिवेटेड होंगी आज के माहौल में, आज के डिफिकल्ट माहौल में भी। मैं देख रहा हूँ पंजाब में लेवल्स की, अचीवमेंट्स की, कार प्लान्स की ऑलमोस्ट लाइन लगी हुई है। मेरे को नहीं समझ आता कि पंजाब में ऐसा क्या कर रहे हो आप लोग कि आप ऐसे माहौल में भी लेवल पे लेवल अचीव किए जा रहे हो, जबकि बाकी लोग अभी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं काम करने के लिए। तो आज उसी विषय पे थोड़ी सी बातचीत करेंगे ओंकार सिंह जी। हाँ जी सर, आज थोड़ी बातचीत करेंगे आपकी कार प्लान की अचीवमेंट को देखते हुए। आप मैंने वैसे देख तो लिया आपकी फोटो में आप कौन सी कार चलाते हैं, बट फिर भी आपके मुंह से सुनना चाहेंगे, आप कौन सी गाड़ी चलाते हो ओंकार सिंह जी? सर, इस टाइम मैं BMW 3 सीरीज चला रहा हूं सर, 320D स्पोर्ट्स। तो कैसा लग रहा है कार के साथ? सर बहुत बढ़िया सर, अमेजिंग। तो ये आपने क्या सोचा था जब आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया था कि ये कार ओन कर पाओगे क्या? सर फ्रैंकली बता रहा हूँ, जिस टाइम मैंने बिजनेस स्टार्टअप किया था, मैं जस्ट एक जो सीनियर को मिला था उस टाइम, उनका वो असिस्टेंट मैनेजर थे, मैं 30,000 का पे आउट देखा था। तो कहीं ना कहीं ये था कि 30,000 भी बहुत है, बट जैसे रेक्सर का प्लान है कि इफ यू हैव ड्रीम वी हैव प्लान, तो मैंने ड्रीम सेट किए कि यहाँ पर और बड़ा भी अगर सोचेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, तो ड्रीम बड़े करे तो लगता था भी कहीं ना कहीं अचीव कर लेंगे, क्योंकि फॉरएवर की पावर देखी, जैसे आपने मिक्लोबर्किस की पिक्स दिखाई सर आज, सर उनको ही हमने पहले देखा, तो वहां ड्रीम बनाया कि ऐसा लाइफस्टाइल सेम हम भी एंजॉय कर सकते हैं। तो आज आपने मिक्लोस को देख के अपना ड्रीम सेट किया, तो आज तो आपकी टीम के बहुत सारे लोग आपको देख के अपना ड्रीम सेट कर रहे होंगे। हाँ जी राइट सर। तो आपने
जब प्लान किया इस गाड़ी को लेने का, तो आपने क्या क्या स्टेप्स अपनाए ओंकार इस गाड़ी को अचीव करने के लिए? हाँ जी सर, वैसे जब मैं बिजनेस 2015 में स्टार्टअप किया था, तो 2016 के अंदर ही मैंने कार प्लान वन लेवल डन कर लिया था, जस्ट 1.4 मतलब 1 year 4 months में. देन उसके बाद मैंने फर्स्ट कार एक्सयूवी बाई करी थी उस टाइम पर, महिंद्रा एक्सयूवी. तो कहीं ना कहीं मन में था कि हाँ अब कार चेंज करनी चाहिए, काफी वो कार चला ली थी. तो उसके ठीक 2 साल बाद मैंने प्लान किया अभी अर्न इंसेंटिव लेवल 2, क्योंकि जब BMW के जब शोरूम गए तो उन्होंने प्लानिंग दी, तो उसकी EMI एंड सब मतलब सबको कैलकुलेशन करा. तो कहीं ना कहीं मन में आया कि अब और एक स्टेप लाइफ में आगे लेकर जाना चाहिए. तो कार प्लान 2 की सर प्लानिंग डन करी, तो जिस मंथ मैंने जुलाई 2018 में मैंने BMW बाय करी, तो उसके नेक्स्ट मंथ ही मैंने अगस्त में मैंने कार प्लान लेवल 2 डन कर लिया था. तो आपको लगता है कि ये जो आपने जब कार प्लान अचीव किया, आपकी टीम में से मोटिवेशन बढ़ा? सर बेसिकली जिस टाइम मैंने कार प्लान अचीव करा, उससे पहले भी टीम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मोटिवेटेड थी. उस टाइम भी मेरा जो मंथली पे आउट था सर लगभग 3.5 लाख के करीबन था. पर यस सर, जैसे उसके बाद जब कार अचीव करी है, तो कहीं ना कहीं लोगों का और ट्रस्ट बना है कि सच में इस यंग एज में भी इतना पैसा आ रहा है. कहीं ना कहीं लोग नेटवर्किंग पे विश्वास नहीं करते भी शायद इनके पे आउट आ भी रहे हैं या जस्ट दिखावा है. तो कहीं ना कहीं कार के बाद उनके और ड्रीम बने कि यस, अगर एक मिडिल क्लास से उठकर पर्सन यहां तक पहुंच सकता है, तो ये सिर्फ फॉरएवर की ही पावर है. बेसिकली जब आप कार जब आपकी इनकम आती है, मंथली इनकम आती है बिजनेस से, वो एक तरह से छुपी रहती है लोगों से. लोग सोचते हैं कि ये कुछ झूठ बोल रहा होगा, ये सच नहीं बोल रहा. बट जब आप गाड़ी ले आके खड़ी कर लेते हो, तो वो तो एक स्टार्क रियलिटी है, सामने खड़ी है चीज, तो कोई आदमी, हर कोई आदमी उसको देख सकता है. तो जो उसकी ड्रीम वैल्यू है, आपके मंथली चाहे 10 लाख का भी चेक आ जाए, गाड़ी एक 25,000 वाली गाड़ी भी हो, 25,000 की किस्त वाली गाड़ी भी हो, उसकी एक ड्रीम वैल्यू मेरे हिसाब से उस मंथली इनकम से भी कहीं ज्यादा है. हाँ जी सर. तो इस गाड़ी को अचीव करते समय गाड़ी के अलावा और क्या क्या बेनिफिट्स आपको नजर आए ओंकार फॉरएवर टू ड्राइव प्लान अचीव करने में? डेफिनेटली सर, अगर मैं बात करूं कि मैनेजर के बाद कहीं ना कहीं जैसे अच्छी इनकम आने लग जाती है, तो कहीं ना कहीं मैनेजर्स उस लेवल पे कई नहीं वर्क करते हैं. पर सर कार प्लान जो अर्न इंसेंटिव है, वो हमें हेल्प करता है कि मैनेजर एंड बियॉन्ड बाकी जितने लेवल्स अचीव करने, चाहे वो चेयरमैन बोनस है, चाहे कोई भी सर इंसेंटिव है. क्योंकि कार प्लान बेसिकली 150 cc, वहां पर एक cc आ गया कि एक मंथ में अचीव करना है. क्योंकि बाकी मैनेजर रिटीट है, वो एक ईयरली अचीव करना है. ठीक है, तो पर्सन कर रहा है, अभी कभी एवरेज कम आ गई, कभी बढ़ रही है, पर अर्न इंसेंटिव में बंदा वर्क कर रहा है कि मैंने इतने मंथली इतने सीसी डन करने हैं. तो कहीं ना कहीं सर, जब मैंने कार्पन वन डन किया था, मेरे बिजनेस में वो सेकंड ईयर ही था, मतलब फर्स्ट ईयर के बाद मैंने 1.5 साल के अंदर अंदर अचीव करा था. उस टाइम पर मैंने पहले ही प्लानिंग कर रखी थी कि मैंने अगर कार्पन करना है, तो मुझे काफी डायरेक्ट लाइन्स पे वर्क करना पड़ेगा. तो उस मंथ सर मेरी डायरेक्ट लाइन्स काफी डायरेक्ट में 2 managers और बने, असिस्टेंट मैनेजर बने, सुपरवाइजर बने. तो उसका मुझको बहुत ज्यादा फायदा हुआ. सीनियर मैनेजर मेरा अचीव हुआ, मेरा चेक ऑब्वियस सर चेक बहुत इंक्रीज हुआ. मैंने एक सर फिगर भी देखी है, जो मैनेजर्स कार्पन अचीव करते हैं, उनके जो चेक है, मंथली बोनस है, वो दूसरे मैनेजर से सर ज्यादा होता है. तो इनकम इंक्रीज हुई और नए लीडर्स आए, डायरेक्ट वर्क किया, तो ये बहुत सारे सर फायदे हुए. जैसा कि मैं ट्रेनिंग में बोल रहा था, डायरेक्ट वर्किंग से ज्यादा आपकी इनकम इंक्रीज होती है और साथ में कार प्लान की वर्किंग में भी मदद मिलती है. बिल्कुल सर, 100%. तो ओंकार, आज के माहौल में आप अपनी टीम को कैसे मोटिवेटेड रखते हो? राइट सर, जो आज का माहौल है, कहीं ना कहीं फॉरएवर ने पहले तो सर मार्च में ही जब चेयरमैन बोनस के चेक्स आए, तो उसी से टीम्स का इतना और ज्यादा फेथ, मतलब पहले भी था, और नए पर्सन का, न्यू प्रोस्पेक्ट का तो और फेथ इंक्रीज हुआ कि कंपनी में वाकई ही बहुत दम है. कि जो लॉकडाउन पीरियड में
एक अरब 34 करोड़ मतलब अरबों रुपया बांट सकती है, तो उस कंपनी में दम है। देन उसके बाद सर आपका बहुत थैंक्स पूरी इंडिया मैनेजमेंट का कि हमें लॉकडाउन में जो ऑनलाइन ज्वाइनिंग्स थी विदाउट पैन कार्ड और बहुत सारी फैसिलिटीज, मतलब बहुत ज्यादा एडवांसमेंट जो हुई, और ऑनलाइन ट्रेनिंग्स, जूम मीटिंग्स, यूट्यूब मीटिंग्स, वो सारा फॉरएवर इंडिया स्टाफ ने हेल्प किया। तो उससे टीम अपने आप सर बहुत मोटिवेट हुई स्टार्टिंग में, तो उससे हमें भी एक किक स्टार्ट मिला कि हमें भी ऑनलाइन मीटिंग्स करनी चाहिए। तो हमने उस चीज को अडेप्ट किया सिस्टम को, तो कहीं ना कहीं सर जो बोनसेस आने लगे, टीम्स ने देखा कि लॉकडाउन में चेक कर रहा है, तो उससे टीम्स अपने आप अंदर मोटिवेट हुई कि बाहर इतना बुरा हाल है, बाहर मार्केट में इतने लोग जॉबलेस हो रहे, इतना मतलब मंदी आ रही है, रिसेशन आ रहा है, और फॉरएवर में चेक्स आ रहे हैं। तो इसी चीज में बहुत बड़ी पावर है सर। तो आपको अपनी जो जैसे आज ये लॉकडाउन से पहले हम अपने बिजनेसेस, पर्सनल मीटिंग्स, फिजिकल मीटिंग्स और अपना अपनी नेट मीटिंग्स, ऑडियो मीटिंग्स के दौरान के द्वारा किया करते थे, तो आपको कोई अपनी स्किल्स चेंज करने में कितना समय लगा, और आपने वो स्किल्स अपनी डिजिटल स्किल्स, ऑनलाइन स्किल्स कैसे अपने आप को उन स्किल्स की तरफ अपने आप को लेके गए, क्या आपको करना पड़ा वो चीज़ करने के लिए? बिकॉज आज की डेट में मेरे को लगता है हमारे बहुत सारे लीडर्स हैं जो इस ऑनलाइन माध्यम से स्ट्रगल कर रहे हैं, जो इस सच्चाई से थोड़ा सा जूझ रहे हैं। तो मैं आपके कुछ कमेंट्स जानना चाहूंगा कि आपने ये वाली जर्नी इतने शॉर्ट पीरियड में कैसे ओवरकम करके अपने आप को डिजिटल की तरफ कैसे लेके गए। राइट सर, सर जैसे डिजिटल लॉकडाउन से पहले ही मंदीप कंबोज सर, हमारे ग्रेट सीनियर सर, ने इतनी ट्रेनिंग दे रखी है, सर ने इतना गाइड करा, तो पहले ही सर ने प्रिपेयर माइंडसेट ऐसा बनाया भी लाइफ में कभी भी कोई सिचुएशन आती है तो उस टाइम पर फोकस करना है, चाहे 10% पॉजिटिविटी हो उस पर फोकस करना है। सर मैंने भी अपने बिजनेस में देखा, जो टीम्स ने लॉकडाउन के इनिशियली में ये सोचा कि कैसे इस लॉकडाउन के अंदर ही इस माहौल के अंदर वर्क करना है, सर उन टीम्स के आज चेक्स बहुत अच्छे हैं। पर जिन्होंने उस सिचुएशन के ऊपर ही नेगेटिविटी की तरफ ध्यान दिया, क्या बनेगा, लॉकडाउन की वेट करी, अनलॉक की वेट करी भी कब खुलेगा, वैक्सीन आएगी तो मेहनत करेंगे, उनके चेक्स कहीं ना कहीं कम है, उनकी इनकम अचीवमेंट्स कम है। तो सर एक माइंडसेट हमने टीम्स का क्या डेवलप करा, क्योंकि सर लॉकडाउन से पहले भी कहीं ना कहीं ऑनलाइन ही थे। जैसे हम बात करते हैं, अगर हम हमारे बिजनेस में जैसे दूर टीम्स हैं तो हमें उनको कॉलिंग करते हैं, फोन पे कॉल करते हैं, हम इनविटेशन कई बार व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी टीम से ज्यादा कनेक्टेड रहते थे, तो कहीं ना कहीं वो पहले भी ऑनलाइन था। बस डिफरेंस क्या है, जो हम फेस टू फेस मिलते थे वो आज एक हमारे सामने डिजिटल में मिलते हैं। तो माइंड को ये प्रोग्रामिंग दी, ये माइंडसेट दिया, जो चाहे हम डिजिटली टीम को मिल रहे हैं, हमने ये सोचना है कि हम सामने बैठे हैं। तो उस चीज से हमने टीम का माइंडसेट चेंज किया कि एक तरह का ये कोई, आप ये ना सोचो भी ऑनलाइन नया ही सिस्टम आ गया, नया ट्रैक आ गया, तो वो चेंज करना है। ट्रेनिंग्स की टाइमिंग, प्रेजेंटेशन में थोड़ी अपडेशन करे, ठीक है सर, वो चीज जरूर हमने उस पर फोकस, और टाइम भी बहुत मिला न्यू प्रेजेंटेशन बनाने में, तो वो बहुत अच्छी चीजें हुई। तो ऐसे सर कंपनी ने जैसे जैसे हमें गाइड किया, सपोर्ट किया सीनियर्स ने, तो वो अडेप्शन सर चल रहा है अभी ऑलरेडी, और आगे आगे और अच्छा करेंगे। तो बाकी हमारे दोस्त जो अभी इस प्रोसेस से स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है उनको मदद करने के लिए? हाँ जी सर, तो उन सभी के लिए मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं जो अभी चैलेंज इस चीज में कर रहे हैं, तो उनको यही मैसेज है कि आज के टाइम पर अगर हम घर वालों को देखें, सर मेरे घर में भी मतलब मेरे नानी जी हैं, वो सर उनको मतलब इतनी पढ़ाई लिखाई भी नहीं करी, वो भी व्हाट्सएप चला रहे हैं, वीडियो कॉल, मतलब कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट दिख रहा है, तो उस चीज में वो अडेप्ट कर रहे हैं। तो मैंने देखा कि अगर बुजुर्ग कर सकते हैं हमारे घर के, तो हम क्यों नहीं कर सकते, हमारी टीम्स क्यों नहीं कर सकती। जस्ट बात क्या है कि हमें उस चीज पे फोकस करना है। कमी कहाँ पर आ रही है कि घर में एक कॉर्नर होना चाहिए, चाहे वो एक सिंपल साइड कॉर्नर है, वहां पर एक माहौल बनाए, ऑरा बनाए, कहीं ना कहीं वो ऑरा की घर में कमी है। चाहे आज हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, बहुत सारी टीम्स वो घर पर ले रही हैं, घर पर कहीं ना कहीं पेरेंट्स इतना कहीं सपोर्ट नहीं करते, वो नेगेटिव माहौल होता है, पर हमने अंदर से पक्का रहना, अंदर से पॉजिटिव रहना है। एक घर के कोने में हमने अपना छोटा सा ऑफिस बनाना है, ठीक है, ताकि वहां पर हम बैठ कर अपनी डेली रूटीन्स पे वर्क करें, तो डेफिनेटली सर सब कुछ चेंज हो सकता है।
बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर सकते हैं। ओंकार, अब एक लास्ट सवाल आपसे। आपने एक अपनी ड्रीम कार ऑलरेडी ले ली है, अब नेक्स्ट ड्रीम क्या है आपका? हाँ जी सर, सर ऑलरेडी 2 ईयर्स हो चुके हैं। जुलाई 2018 में मैंने BMW मेरी ड्रीम कार मैंने अचीव करी थी। तो सर उसके बाद मैं ऑलरेडी अपने जो मेरा घर है, मेरा जो मतलब मॉम डैड ने बनाया हुआ घर है, मैंने उस घर में सर लग्जरी रेनोवेशन कर चुका हूँ। जिस मैं रूम में बैठा हूँ, मैंने लास्ट ईयर ही मैंने ये रूम ऊपर मतलब ये कमरा बनाया, तो इसमें सर हर हाईली लग्जूरियस मैंने यहाँ पर मतलब हर चीज यहाँ पर फर्नीचर है, चाहे ग्लास है कुछ भी है, तो उस पर वर्क किया। और सर अभी लॉकडाउन से पहले ही सर मैंने प्रॉपर्टी भी बाय करी, मेरे घर के साथ प्लॉट मिला बिल्कुल फॉर पार्किंग। कहीं ना कहीं घर में अभी कार्स और आ चुकी हैं, मैंने रिसेंटली डैड को एक कार गिफ्ट की है लॉकडाउन से ठीक एक हफ्ते पहले, तो बाहर खड़ रही हैं कार्स, उसका मजा नहीं था। तो सर लकीली घर के पास वाला प्लॉट मिला, तो पुराने घर और उसको मतलब कोलैबोरेट करके तो पार्किंग के लिए वहां पर अच्छा बनाया, गार्डन बनाया। और अभी मैंने लॉकडाउन में ही सर अपना टाइम था काफी, तो मैंने सर बैम्बू ट्री बनाया घर पर, तो बहुत अच्छा सर इतना मतलब सुकून की मैंने, वो एक तरह का मेरा ऑफिस ही बन गया घर पे। तो मैं वहां पर बैठ कर मेरी फैमिली इतना गार्डनिंग वो ग्रीनरी इंजॉय कर रहे हैं नेचर को। तो ऑलरेडी सर लग्जरी रेनोवेशन मैं कर चुका हूँ, बाकी यस सर आगे आगे ड्रीम्स और बड़े होते जाएंगे। तो जो फ्यूचर का ड्रीम वो वही है कि एक लेक के किनारे सर घर हो, और घर नहीं सर एक महल जिसे हम मेंशन कहते हैं, तो वो फ्यूचर का ड्रीम है, ताकि फैमिली बच्चे सब एंजॉय करें वहां पर। चलिए ओंकार, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपका ड्रीम जरूर पूरा होगा, आपकी टीम के भी ड्रीम्स होंगे, आपकी टीम के ड्रीम्स भी पूरे हों, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर फ्यूचर। Thank you for coming on this program of ours. Okay, sir. Thank you so much. Thank you. दोस्तों, अपने कार्यक्रम को आगे कंटिन्यू रखते हैं। थोड़ी सी मेरे पास डिस्कशंस और हैं आप लोगों के लिए। दोस्तों, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा आपके लिए। मैं कुछ पिछले दिनों से देख रहा हूं कि जैसे कि हमने बहुत सारी स्पॉन्सरशिप्स देखी हैं बिजनेस में, लास्ट 2 महीने में जैसे मैं बोला कि करीबन 1 लाख लोग हमारे बिजनेस को ज्वाइन करे हैं, तो इनमें से बहुत सारे लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दिए हैं, कुछ लोगों ने फिजिकली डॉक्यूमेंट्स भेज दिए हैं, कुछ लोगों ने स्कैन डॉक्यूमेंट्स भेज दिए हैं, बट अभी भी मेरे पास एक बहुत लंबी लिस्ट ऑफ पीपल है जिन्होंने अपने स्कैन करके डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे। हमने अपनी रिक्वायरमेंट को डाइल्यूट किया था कि फिजिकली डॉक्यूमेंट जो लोग नहीं दे पाएंगे वो ना सही, बट कम से कम अपना जो ज्वाइनिंग फॉर्म है साइन करके, स्कैन करके, अपना पैन कार्ड या आधार कार्ड या कोई भी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, बैंक डिटेल्स, ये सारी डॉक्यूमेंट्स प्रायोरिटी पे मेल कर दिए जी कर दीजिएगा online@flpindia.net के ऊपर, online@flpindia.net, online means online@flpindia.net। इस आईडी पे अवश्य मेल कर दें, बिकॉज होगा क्या कि अगर महीने का अंत होते होते नेक्स्ट बोनस चेक बनते बनते ये लोग हमें अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं करेंगे, तो जो इनके बोनसेस हैं दोस्तों वो मूव अप हो जाएंगे, जो आपका स्पॉन्सर होगा उसको फायदा हो जाएगा आपकी मेहनत का। मैं नहीं सोचता कि आप चाहोगे कि आपके स्पॉन्सर को आपकी मेहनत का फायदा मिले, उसको जो कमीशन मिलना है आपके ऊपर मिल जाएगा, बट यहाँ पे जो कमीशन आपको मिलना था वो भी ऊपर फ्लो हो जाएगा। सो मैं दरख्वास्त करूंगा आप लोगों से प्रायोरिटी के ऊपर अपनी डिटेल्स स्कैन करके, आपको करना क्या है, सिर्फ एक फॉर्म जो आपका निकला होगा ज्वाइनिंग के समय निकाल के साइन करके उसकी फोटो खींच के online@flpindia.net के ऊपर ही तो भेजना है, 2 मिनट का काम है। आप लोग मेरे को इतने सारे लोग कंप्लेंट करते हो जी कोरियर टाइम पे नहीं आता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, जब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स कोरियर कर दीजिए तो आप कहते हो कोरियर नहीं चलता। मैं कई बार सोचता हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है कि मेरे से आप लोगों की एक्सपेक्टेशन कितनी ज्यादा है,
बट आप लोगों को लगता है कि कुरियर काम नहीं कर रहा, फिर भी FLP आपको आपका कुरियर समय पे पहुंचा दे, ठीक है, तो इससे लगता क्या है कि या तो आपको इनकम की जरूरत नहीं है तो इनकम आपके ऊपर फ्लो हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मेरे को लगता है अगर मैं आपकी जगह हूं तो मेरे को बहुत फर्क पड़ेगा अगर मेरी इनकम कोई और इस्तेमाल कर ले, कोई और ले जाएगा। तो दोस्तों कुछ लोग हैं, 500-600 लोगों के नंबर्स हैं मेरे पास, लिस्ट है मेरे पास, मैं आप लोगों से फिर दरख्वास्त करूंगा कि जो लोग ज्वाइन करे हैं, AS लेवल अचीव किया है उन्होंने पिछले महीने में, वो अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट्स भेज दें ताकि हम उनको उनकी इनकम उनके सपोर्ट कर पाएं। सो दिस इज ए रिक्वेस्ट, अर्जेंट रिक्वेस्ट, बिकॉज अगले महीना होते ही ये इनकम ऊपर मूव अप हो जाएगी, राइट दोस्तों, ये मेरी बड़ी अर्जेंट रिक्वेस्ट है, प्लीज इसके ऊपर एक्ट करिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट अनाउंसमेंट के ऊपर। 15 अगस्त का दिन है, बरसात है, मुंबई में तो बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है आज भी, तो कुछ अच्छा भी होना चाहिए, कुछ अच्छा शगुन होना चाहिए, कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, कोई अच्छी चीज़, नई चीज़? ज़रूर। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक स्पेशल ऑफर, विकास जी शेयर करेंगे। वेल, ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है दोस्तों। अब आप, मैं उम्मीद करता हूँ आप घर बैठ के समोसे कचौरी पकौड़े खाते खाते थोड़ा वेट पुट ऑन कर लिया होगा, तो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर 5 days ओनली फ्रॉम 15th to 20th August बाय 1 RG+ एंड गेट 1 Arctic Sea एब्सोल्यूटली फ्री। सो कैसी ऑफर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपके इनकम के चेक्स भी अब तक आ गए होंगे, आपकी बोनसेस आपके अकाउंट में होंगे, तो उम्मीद करता हूँ आप बढ़ चढ़ के अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस सेल का फायदा उठाएंगे, इस प्रमोशन का फायदा उठाएंगे। तो ये हमारा मानसून बोनांजा है, ये हमारा इंडिपेंडेंस डे बोनांजा है, तो उम्मीद करता हूँ बाकी हमारे पिछले महीनों की प्रमोशंस की तरह ये प्रमोशन भी आपको अपने अपने लेवल्स और अचीवमेंट्स करने में मदद करेगी। सो दोस्तों ये थी आज की हमारी दूसरी अनाउंसमेंट। अब एक तीसरी अनाउंसमेंट भी है दोस्तों ये तीसरी अनाउंसमेंट कुछ ऐसी है, अगर आज सुबह ही किसी ने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना होगा, उनका फोकस कितना ज्यादा था आत्मनिर्भरता के ऊपर, वो देखना चाहते हैं कि भारत कितना आत्मनिर्भर होता है आने वाले समय में। आज उनकी एक बात जब मैंने सुबह सुनी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो कहते कि हर जो इंसान 20 21 22 साल की उम्र में पहुंचता है तो कहीं ना कहीं से उसको अपने माँ बाप से सुनने को मिलता है कि भैया अपने पैरों पे कब खड़े होगे। तो मुझे ये उनका जुमला जो है बहुत पसंद आया कि जब माँ बाप 20 21 22 साल की उम्र में अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपने पांव पे खड़े हों, तो अब हमें भी भारत में आए 20 साल हो गए हैं दोस्तों, हम भी उस उम्र पे पहुंच गए हैं जहां पे हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए एज ए कंपनी, और हमने भी सोचा कि हमारे प्रधानमंत्री जी के इस अभियान में हम भी कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, हम भी कुछ मदद करेंगे। हमने अपने होम ऑफिस से परमिशंस ली और हम भी चल पड़े आत्मनिर्भर होने के लिए। तो दोस्तों इसी में, इसी श्रृंखला में, आत्मनिर्भरता की श्रृंखला में मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि हमने भी ये डिसीजन लिया है कि हम इंडिया में अपने ग्लोबल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग की तरफ एक कदम उठाएंगे, एक छोटा सा कदम। वो कहते हैं ना
जब नील आर्मस्ट्रांग ने मून पे कदम रखा था तब उसने क्या कहा, उसने कहा कि एक मेरा एक पहला स्टेप, एक छोटा सा कदम जो मून के ऊपर है, वो एक मैनकाइंड के लिए, पूरे दुनिया के लिए एक मैसिव लीप है, एक छोटा सा कदम एक बहुत बड़ी छलांग है। सो दोस्तों, हमने भी आज एक छोटा सा कदम बढ़ाया है आत्मनिर्भर होने की तरफ, भारतीय मैन्युफैक्चरिंग की तरफ। इससे ये भी पता चलता है कि अब हमारे इंडिया के ऊपर हमारे ग्लोबल ऑफिस को थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जा रहा है। और मैं आज की आपको बात यहीं ख़त्म करता हूँ ये बताते हुए कि हमारे स्टेप्स शुरू हो गए हैं सेल्फ रिलायंस की तरफ, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, और ये स्टेप्स में हम अब कुछ प्रोडक्ट्स में काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। दो प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि हम बहुत जल्दी मैन्युफैक्चर करने वाले हैं इंडिया में, रादर मैं कहूंगा कि मैन्युफैक्चर हो चुके हैं और हम जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। तो आप ये सारे हफ्ते में, अगले हफ्ते में कुछ ना कुछ एक्साइटिंग खबर हमसे सुनते रहेंगे और ये प्रोडक्ट्स हम जल्दी ही लॉन्च करने जा रहे हैं, ऑलमोस्ट आप मान लीजिए अगले हफ्ते। तो ये अगला हफ्ता दोस्तों बहुत एक्साइटिंग रहेगा। इस एक्साइटमेंट के साथ ही मैं आपको यहाँ पे आज छोड़ता हूँ, और जस्ट टू गो बैक, जस्ट टू रिमाइंड अस ऑफ व्हाट वी स्टार्टेड विद, हमारा प्लान था आज की डेट में हाउ टू अचीव आवर फॉरएवर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं समराइज कर देता हूँ आज की अपनी डिस्कशन। पहला पॉइंट, हमने कार प्लान के बारे में सीखा। सेकेंड पॉइंट, मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट करी कि अपने अपने डॉक्यूमेंट्स समय पे भेज दीजिएगा। दूसरा, ये प्रमोशन आज से, अभी से स्टार्टेड है। इमिजिएटली वंस दिस प्रोग्राम एंड्स, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो ऑन टू योर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड स्टार्ट बाइंग दिस मटीरियल। मैं अभी भी देखता हूँ लोग लास्ट दिन रात के 12 बजे की वेट करते हैं। प्लीज़ मत करिएगा वेट लास्ट के 12 बजे की, जितना जल्दी हो सके अपने अपने परचेजेस कर लीजिएगा। इसी बात के ऊपर मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा, मेरे को ये बात करते करते ध्यान में आई, लास्ट मंथ देयर वर एन एक्सेप्शनली लॉन्ग लिस्ट ऑफ पीपल हु वांटेड एग्जेम्पशंस। किसी का आधा सीसी रह गया, किसी का डेसिमल पॉइंट सीसी रह गया, किसी का कुछ रह गया। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अर्नेस्ट रिक्वेस्ट है, आप 27-28 के आसपास अपने लेवल्स अचीव कर लीजिएगा। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है आपको एग्जेम्पशंस देने की, बिकॉज एक बार ये मंथ क्लोज हो गया, एक बार ये ग्लोबल मंथ क्लोज हो गया, उसके बाद मैं मदद नहीं कर पाऊंगा आपको। चाह कर भी किसी का आधा सीसी रहता है, कुछ पॉइंट्स रहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम से, किसी भी वजह से, कोई भी कारण से आप लोगों के सीसी छूट जाते हैं। मैं जितना चाहे दिल से चाहूं भी, बट मैं आपकी अनफॉर्चुनेटली मदद नहीं कर पाऊंगा। सो मेरी अगेन रिक्वेस्ट है, प्लीज रात के 12 बजे की वेट ना कीजिएगा, लास्ट डे की, लास्ट डे ऑफ प्रमोशन की मत वेट करिएगा। प्लीज जल्दी से जल्दी गो बैक टू योर कंप्यूटर्स, प्लेस दी ऑर्डर्स, अपनी जो मंथ की क्लोजिंग है वो 27-28 के आसपास कंप्लीट करने की कोशिश करें, ताकि आपको लास्ट दो दिन अगर कोई आपके सीसीज ऊपर नीचे होते हैं तो उनमें आपको देखने का, रेक्टिफाई करने का समय मिल जाता है। बिकॉज रात को 12 बजे 30 तारीख को 31 तारीख को जब आप अपनी क्लोजिंग करते हैं, उसके बाद आपके पास कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बचती है दोस्तों, बिल्कुल जीरो फ्लेक्सिबिलिटी। आज की डेट में आपके पास इतनी बेनिफिट्स हैं, आप ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, आपको कोई बैंक नहीं जाना, कोई बैंक का ओपन क्लोज डे नहीं देखना, कंपनी के आरडीओ का ओपन क्लोज नहीं देखना, घर बैठे आप काम कर सकते हैं। फिर आप, मेरे को नहीं समझ आता कि क्यों ऐसी कई बारी अलगर्जी करते हैं कि आपको फिर कंपनी के एम्प्लॉयज की, वर्कर्स की मिन्नतें करनी पड़ती हैं कि जी माफ कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। थोड़ा सर उठा के चलना सीखिएगा, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग अपने आप को बनाइएगा, इंडिविजुअल बनाइएगा, थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट रखिएगा।
आपको किसी के पास मदद मांगने जाने की जरूरत नहीं है अगर आप अपना काम अपने समय पर करते हैं। सो दोस्तों, इसी के साथ ही प्रमोशन का पूरा फायदा उठाइएगा और देखते रहिएगा अगले हफ्ते आपको और आत्मनिर्भरता के ऊपर हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स शेयर करने वाले हैं। प्लीज कीप वॉचिंग आवर फेसबुक पोस्ट, आवर सोशल मीडिया, एंड आई विल वंस अगेन कम एंड सी यू ऑन द सोशल मीडिया गिविंग यू द बिग अनाउंसमेंट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद वंस अगेन दोस्तों, जय हिंद।